नमस्ते, मेरा नाम श्वेता है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किताब एल्फी एंड द पीकॉक। इस कहानी को लिखा है वरुण गुप्ता ने और इसका चित्रांकन किया है आयुषी रस्तोगी ने। इस कहानी का प्रकाशन किया है द ललित और रेस्टिंग किश फेस ने। ये कहानी एक हाथी के बारे में है जिसका नाम है एल्फी। एल्फी बाकी लोगों की तरह भूरे रंग का नहीं होता है, उसके और रंग होते हैं और बाकी बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं। इस वजह से वो कई बार सोचता है कि मैं अलग रास्ते से जाऊं, और एक दिन वो ऐसा ही करता है। रास्ते में उसको कौन मिलते हैं जिससे उसको लगता है कि भूरा होना ही ज़रूरी नहीं है और हमारे और रंग भी हो सकते हैं। ये जानने के लिए इस कहानी को ज़रूर पढ़ें। ये कहानी हमें भिन्नता से प्यार करना सिखाती है और ये भी दिखाती है कि कैसे हम अगर दूसरों से अलग भी हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एम्पथी, डाइवर्सिटी और गिनी से जुड़ी हुई चीज़ें देखिए हमारी ऑनलाइन शॉप। गिनी प्लैनेट अब 3 साल का हो चुका है, आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। गिनी प्लैनेट एक ऐसी दुनिया बना रहा है जिसमें भिन्नता एक आम बात है और इसमें कोई बुराई नहीं है। और जाने हमारी वेबसाइट guinnessplanet.com पर।